राहुल सही बैठी हो तुम मोटरसाइकिल पे पीछे, और सवारी बैठा ले कुछ। मुझे लगता है अभी 10-15 सवारी और आ जाएंगी अपनी मोटरसाइकिल पे। देखो पेट्रोल तो मेरा उतना ही खर्च होगा एक चक्कर में, और जितनी ज्यादा सवारी बैठ जाएंगी उतना ही फायदा है मुझे। अरे मोदी जी ये कहां पर मुझे बैठा दिया आपने डंडे पर? अरे मैं तो ये समझाता आप मोटरसाइकिल की सीट सीट पर सवारी बैठा के ले जाएंगे, लेकिन तुमने तो मोटरसाइकिल के पीछे डंडा भी लगा लिया है और उस डंडे पर बैठाल के सवारी ले जा रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो कि अभी 10-15 सवारी और बैठा सकता हूँ। 10 रुपए सवारी लेती हो तुम किराया हमें गांव से शहर पहुंचाने का। मैं तो अभी 10-15 सवारी वाकई में और बैठा लूंगा इस पे। जहां तक तुम बैठी हो उसके पीछे मोटरसाइकिल के एक डंडा और लगा दूंगा, फिर उस पर सवारी बैठ जाएंगी। अरे मोदी जी मुझे इस मोटरसाइकिल से उतार दो, मुझे इस डंडे पे बैठे हुए डर लग रहा है। देखो अमित शाह जी, जो मेरी मोटरसाइकिल पे एक बार बैठ गया वो उतरता नहीं है, अब ये शहर ही जाकर रुकेगी मेरी मोटरसाइकिल। 10 रुपए तैयार रखो तुम देने के लिए मुझे। अरे मोदी जी तुम 10 रुपए मुझसे अभी ले लो, लेकिन मुझे यही के यही उतार दो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम किराया ले लो, लेकिन मैं आपकी इस मोटरसाइकिल पे बैठकर शहर नहीं जाऊंगा। कैसी बात करती हो वैसी जी, जब मैंने अभी तुम्हें शहर पहुंचाया ही नहीं है, किराया किस बात का ले लूं? शहर पहुंचकर ही किराया लूंगा, अभी नहीं उतारूंगा मैं तुम्हें। अरे अखिलेश तुम सिद्धू जी को कस के पकड़े रहना, क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ा हुआ हूँ जिससे कि मैं गिर ना जाऊं। अरे योगी जी तुम मुझे मत पकड़ो, तुम तो डंडे के ऊपर बैठे हुए हो, कभी भी गिर सकती हो, मुझे भी लेके गिर जाओगे तुम। अरे ये तो बड़ा बवाल हो गया, लालू इंस्पेक्टर जी मिल गए रास्ते में। रोको रोको मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल को यही रोको, मैंने कितनी बार कहा है अपनी मोटरसाइकिल पे सवारी ढोने का काम खत्म कर दो, आज तुम्हारा फिर चालान कट जाएगा, आज जरा सवारी गिन लूं। 1, 2, 3। अरे रुको रुको लालू जी, सवारी को मत गिनो, यही पे निपटा लेते हैं अपना। अरे अच्छी खासी मैं सवारी गिनना था, तुमने बीच में बोल के बोलवा दिया, कम से कम गिनने तो दो सवारी, उसी हिसाब से चालान काटूंगा मैं तुम्हारा। अरे क्या सवारी गिनने हो लालू इंस्पेक्टर जी, मैं सवारी बता देता हूँ, इनकी मोटरसाइकिल पे मोदी जी को लगाकर 8 सवारी है, जबकि एक 7 सीटर कार में भी 7 सवारी बैठा सकती हो। मैं तो इसी सोच में रहता हूँ इनकी मोटरसाइकिल है या बस है, ये बस में सवारी आती है इतनी। काट दो इनकी मोटरसाइकिल का चालान, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मोदी जी एक आध कप किसी को चाय चाहिए? 50 कप चाय पी चुके हो आप सब लोग, और मुझे एक बात बताओ काम पर मजदूरी पर क्यों नहीं जा रहे हो? पूरा पूरा दिन तो मेरी दुकान पर बैठे रहते हो। अजीब बात है लालू जी, आपको तो ये कहना चाहिए कि हम लगातार यहीं पे बैठे रहे और आप हमें भगाने की कोशिश कर रहे हो। और रही काम की बात, काम तो हम कर लेंगे, जितना हमने कमाया था पहले वो तो खर्च कर लें। साफ सी बात है लालू जी, हम तो बेफिक्र मजदूर हैं, साल के 12 महीने में सिर्फ 2 महीने कमाते हैं और 10 महीने आराम से खाते हैं। अरे वो तो कोई बात नहीं है मोदी जी, तुम चाहे पूरा दिन बैठो, लेकिन कम से कम मेरे दिन भर के जो चाय के पैसे हुआ करे वो तो दे दिया करो। अरे देते नहीं है लालू जी हम आपके पैसे, ये बताओ जब हम काम पर जाना शुरू करते हैं तो तुरंत तुम्हारा एकदम हिसाब कर देते हैं हम, जैसे ही हम पैसा कमा कर लाते हैं। चलो 1 कप चाय और दो लालू जी, 51 कप चाय हो जाएगी आज की। वैसे मोदी जी जो पिछले साल 2 महीनों में अपनों ने कमाया था उसमें से कितना पैसा बचा है अब खर्च होने के लिए? अरे वो पैसा खर्च हो फिर अपना काम पर निकले। अरे योगी जी अभी टेंशन मत लो, अभी तो काफी रुपया है, 3,575 रुपए बाकी हैं अभी खाते में, जब वो खत्म हो जाएंगे फिर अपना लोग काम पर चलेंगे। वैसे अखिलेश एक बात बताना, अपना काम पर जाने के लिए अब कितना टाइम बचा है? पिछली बार तो अपना होली कर काम पर चले गए थे, यानी कि आखिर मार्च में, अब की कब काम पर निकलेंगे अपना लोग? अरे राहुल ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो अपने पैसे के ऊपर रहता है, जब अपना पैसा खत्म हो जाए अपना पैसे का सारा हिसाब मोदी जी के पास है। उन्होंने अभी बताया अभी 3,575 रुपए बाकी है, जब वो रुपए खत्म हो जाएंगे अपना खाने खर्चे के पैसे नहीं बचेंगे अपने पास, तभी अपना काम पर निकल चलेंगे। वैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है, 2 महीने कमाओ और आराम से 10 महीने खाओ, बेफालतू में कमा कर चट्टा लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। अरे आराम से जिंदगी बिताओ जैसे लालू जी की दुकान पर अपना लोग बिताते हैं। वैसे एक बात कहूं केजरीवाल, इतनी बेफिक्र तरीके से भी मजदूरी नहीं करना चाहिए, अरे कुछ बचा कर भी रखो, तुम तो जो कमा लेते हो उसी को फिर खर्च करते रहते हो, आराम से बैठ जाते हो मेरी दुकान पर आकर। अरे तुम बैठे रहते हो तो कोई और ग्राहक भी नहीं आता है मेरी दुकान पर, ये बेचारे ओवैसी जी जरूर आ जाते हैं, वो कोने में चाय पी के चले जाते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।